सेंट्रल इंडिया और ये जो रेड आतंकवाद है, ये नक्सलवाद, ये सबसे बड़ा खतरा है, उसको हमने नजरअंदाज किया। इसके जो मेन कारण है वो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसको चाइना से और जगह से इनको मदद मिल रही है। हमारे कम्युनिस्ट इनके साथ सहानुभूति व्यक्त करते हैं। जिसको आर्मी ने ट्रेन भी किया है उनको आप सिक्योरिटी ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी इधर उधर लगा देते हैं। तरीका जो इस्तेमाल करने का है हमारी पैरामिलिट्री को डिप्लॉय करने का, ये गलत है। इनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है, कमांड एंड कंट्रोल ठीक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजो नारायण। आज हम उनके साथ मौजूद हैं जो कि बेबाक तरीके से अपने जवाब जो है जनता के सामने रखते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट और पूर्व विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी की। प्रफुल्ल बख्शी जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। थैंक यू। प्रफुल्ल जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, कश्मीर में जो आतंकी है और जो हमारा नक्सलवाद है, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा हादसा हो गया, हमारे 22 से ज्यादा जवान जो हैं वो मारे गए, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजह है, क्या कमी है? देखिए, ऐसा है, जो कश्मीर का जो आतंकवाद है वो तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर उनके जो प्रॉब्लम है उस पर हुआ है। हिंदू मुस्लिम के विवाद से पार्टीशन हुआ, हिंदू मुस्लिम विवाद से ही कश्मीर का प्रॉब्लम है और सारे के सारा प्रॉब्लम ये है। और जितने आतंकवादियाँ हैं वो इस्लाम तबके के हैं। मैं सारा इस्लाम की बात नहीं कर रहा, रेडिकल इस्लाम की। इस्लाम एक बहुत खूबसूरत और उम्दा, जिसको कहते हैं ना अव्वल दर्जे का रिलीजन है, जो भारत की संस्कृति का अंग है। पर ये जो रेडिकल इस्लाम है इसमें प्रॉब्लम है। ये रेडिकल इस्लाम कश्मीर को अलग कराना चाहता है। तो ये बाहर से इनका सामान आ रहा है, बाहर से आइडियोलॉजी आ रही है, ट्रेनिंग आ रही है, फाइनेंसेस आ रहे हैं और वो कश्मीर को, और कश्मीर को जो संभालने को कंट्रोल करने का जो तरीके थे उनमें कमी थी। आतंकवाद में क्या कमी थी, बहुत सारी फोर्सेस लगी हुई हैं और फौज भी है, पैरामिलिट्री भी है, लोकल इंटेलिजेंस, जो सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर एक नहीं है। और दूसरा ये है कि हुर्रियत को जो था उनको उन्होंने बहुत ही हेल्प उनको करते थे, उनको बहुत एक ओहदा दिया हुआ था। तो ये प्रॉब्लम थी। जो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ की आतंकवादी है वो माओवादी को लेकर है, वो इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम है। सुनिए, इंटरनल का मतलब है कि उनके जो माओवादी हैं ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं, आपके एमएलए को इलेक्ट कराते हैं, तो वो आपका अंग है। कश्मीर आपका अंग नहीं, वो बाहर के आए हुए हैं जो आतंकवादी हैं, ये आपके अंग हैं। और क्यों स्टार्ट हुआ, किस लिए ये आग भड़क रही है, क्योंकि उन्होंने हमारी कमज़ोरी को पकड़ा। कमज़ोरी ये है हम कि वहाँ के ट्राइबल्स को, गरीब तबके के लोगों को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, उनके जंगल के जो नीति रीति रिवाज हैं, उनके जो इकोनॉमी सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो वहाँ से चलता है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, उनमें खामियां हैं, उसको होने नहीं देते, गरीबी है और तभी माओवादी आ रहे हैं, उनका हथियार बाहर से आ रहे हैं। 1995 में पुरलिया में आर्म ड्रॉप हुआ था, जखीरा आर्म्स का ड्रॉप होता था, वो कहाँ जाते थे, तभी आतंकवादियों के पास में मोर्टर्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं और ऑटोमेटिक राइफल, सब कुछ है। बहुत आधुनिक। तो इसीलिए, और दूसरा, फिर दूसरी तो पहलू ये है, उनको हैंडल करने के लिए आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने तब कहा था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिक्योरिटी प्रॉब्लम सेंट्रल इंडिया और ये जो रेड आतंकवाद है, ये नक्सलवाद, ये सबसे बड़ा खतरा है, उसको हमने नज़रअंदाज किया। आप सीआरपीएफ को लगाते हैं, अगर लगाते हैं तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, उनको प्रॉपर वेपन सिस्टम दीजिए। और तो इसका मतलब ये है कि आतंकवाद दोनों जगह चल रहे हैं। ये आतंकवाद आपके अंदर का कैंसर है, ये कैंसर आपके अंदर का है, इसको हैंडल करने के लिए आपको इसकी पूरी जड़ तक जाना पड़ेगा। इसके दो कारण हैं। एक तो है, इसके जो मेन कारण है वो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर मासेस, जिससे कि ये माओवादी जो मेंटल है, आइडिया है, आइडियोलॉजी, ये पनप रही है और इसको चाइना से और जगह से इनको मदद मिल रही है। हमारे कम्युनिस्ट इनके साथ सहानुभूति व्यक्त करते हैं। और यही नहीं, इतना पैसा लगाया है कि हमारे इंटेलिजेंशिया, कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह, ये भी इनकी तरफ झुकाव पे आ गए हैं। तो ये हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है और इसको
इमीडिएटली ख़त्म करने के लिए आपका इमरजेंसी में जो एयरक्राफ्ट में अगर इमरजेंसी हो, एक होता इनिशियल एक्शन, इनिशियल एक्शन तो मिलिट्री एक्शन होगा कि पहले तो इनको रोका जाए, पर कंसिक्वेंट और सब्सिक्वेंट स्ट्रेटजिक एक्शन जो होगा लॉन्ग टर्म है कि इनके सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए। ये दोनों साथ ही साथ चलेंगे, तो ये प्रॉब्लम है कश्मीर में और यहाँ पे। देखिए बख्शी जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और शायद हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत समझ पाए होंगे कि नक्सलवाद क्या है और कश्मीर का जो आतंकी है वो क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, पहले ये समझना बेहद ज़रूरी है, तब हम इस पर बात करते हैं। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे खुद का अंदर जो कैंसर परंपरा है नक्सलवाद वो है, इसे ख़त्म करने के लिए हम हर बार कहते हैं, जब भी नक्सली हमला होता है हमारे जवानों पर हम कहते हैं कि हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन हम करते क्या हैं? सबसे बड़ी बात है कि हम करते कहाँ, हमारा गृह मंत्रालय क्या करता है, हम क्यों फ्री हैंड नहीं देते हैं कि इस नक्सलवाद को या तो खात्मा किया जाए या इसे रोक दिया जाए। देखिए हम कौन है, आप जब कह रहे हैं हम क्यों नहीं देते, हम कौन है, गवर्नमेंट? बिल्कुल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात वही मैं बिल्कुल है। गवर्नमेंट जो है वो जो होम उनको जो गवर्नमेंट को चलाता कौन है, देखिए आप ये भूल जाइए कांग्रेस और बीजेपी ये कोई का मामला नहीं है, हमारी गवर्नमेंट चलाती है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी जो है और उसके अंदर कौन से होते हैं आईपीएस आईएएस ऑफिसर, ये अब देखिए हर एक पैरामिलिट्री को जो आप लगाते हो वहाँ सीआरपीएफ को चलाता कौन है, आईपीएस, आईपीएस अफसर की कितनी ट्रेनिंग है सीआरपीएफ को कंट्रोल करने की, देखिए परेड ग्राउंड में 26 जनवरी में आप जो क्या कहते हैं मेडल वेडल आर्मी की ड्रेसेस बिल्कुल नहीं, फौज भी आर्मी की फौज होती है, सबकी आर्मी की यूनिफॉर्म होती है, शुरू से इन्होंने पहले से ही फौज को कॉपी करना शुरू किया, पहले फौजी आते थे ये जगह इसलिए, तो अब वही रहा, अब मामला सारा तुम फौजी दिखावा है, ट्रेनिंग नहीं है इनकी, ट्रेनिंग नहीं है, जब तक वेल ट्रेन नहीं होंगे, अब आप जब प्रॉब्लम में अंदर जाएंगे तो पूछेंगे क्यों, देखिए अगर मेरे को आर्मी का चीफ बनना है तो मेरे को शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है, ये नहीं कि मैं एज अ ब्रिगेडियर फौज में आ जाऊं और कहूं कि हाँ जी हाँ मैं आ गया हूं मैं चीफ हूं और फिर मैं, ऐसा नहीं होता, आपको एड़ियां और घुटने रगड़ने होते हैं एज सबसे पहले, तो अगर आपको आईपीएस ऑफिसर को देना है पैरामिलिट्री तो सबसे पहले वो प्लटून लेवल कंपनी लेवल बटालियन लेवल को कंट्रोल करेगा, 18 से 20 साल वो उसको सर्व करना पड़ेगा, फिर वो कहीं जाके सोच सकता है, ऊपर के ओहदे सब उन्होंने रिजर्व करे हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसीलिए हमारी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं ये जब पहुँचती हैं 2000 लोग पहुँचे इस बार, पहले 87 मारे गए दंतेवाड़ा वगैरह में और आंकड़े बहुत सारे हैं, इस बार 2000 आपके लोग हैं, मिक्स्ड लोग हैं, उनकी लीडरशिप कौन कर रहा था, किस 2000 लोगों के लिए दो बटालियन प्लस आपको एक ब्रिगेडियर लेवल का एक औहदे का एक्सपर्ट आपके साथ में होना था, वो कहाँ था, नहीं होते ही नहीं है, आप जूनियर लेवल को देते हैं और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो जब दंतेवाड़ा का केस हुआ था हमने कहा था इन पैरामिलिट्री को आप आर्मी के साथ अटैच करिए 2 साल, इनकी पूरी ट्रेनिंग दीजिए, आर्मी कमांडर जो उनका बटालियन कमांडर है उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाइए कि अगर इनकी ट्रेनिंग में खराबी आई तो तुम्हारी खटिया खड़ी की जाएगी, और उनको साथ में उनके आर्मी के अफसरों को साथ भेजिए कि देखिए इनका और नमूना देखिए, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं दूर करते रहें, क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं, उनको इम्प्रूव करने के लिए, और तब हैंडओवर करिए कि है हमारा ट्रेंड बटालियन जो आप सीआरपीएफ की है अब कंप्लीट है, जंगल वॉरफेयर नॉर्मल वॉरफेयर नहीं होती, ये जंगल वॉरफेयर चल रही है इनके लिए, और जिसको आर्मी ने ट्रेन भी किया है उनको आप सिक्योरिटी ड्यूटीज वीआईपी ड्यूटी इधर उधर लगा देते हैं, एक बटालियन जो होती है उसको 6 भाग में डिवाइड करके साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया तक कहीं कहीं भेज देते हैं, ये बात तरीका जो इस्तेमाल करने का है हमारी पैरामिलिट्री को डिप्लॉय करने का ये गलत है, इनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है, कमांड एंड कंट्रोल ठीक नहीं है, इनका ऑफिसर काडर अगर आईपीएस ऑफिसर को अगर इनको करना है तो वो मसूरी से निकलते ही यहाँ पे जाना चाहिए पैरामिलिट्री में, वहाँ पे पूरी 18-20 साल लगाए जैसे फौज में होता है, जब आप बटालियन कमांडर बनने लायक हो तब आप बटालियन का कंट्रोल कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, और अगर आप उससे बड़ा ओहदा लेके पहुंच जाओगे तो अपनी हंसी और खिल्ली उड़वाओगे। बिल्कुल, चलिए ये तो हमने समझा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी जो हमला हुआ उस पर आपने बहुत अच्छे से विभाग तरीके से, जैसे कि आपका हमेशा से ही रहा है कि विभाग तरीके से आप जवाब देते हैं, अब हम समझेंगे कि एयरफोर्स में
जो हमारे पास विमान है, हमारे जो भी लड़ाकू विमान है, जो भी फाइटर जेट है हमारे, उसमें हम लगातार बढ़ोतरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में राफेल मिला हमें, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से नहीं मिल पाया क्योंकि कुछ ही जहाज हमें मिले हैं। MiG-21 की हम बात करते हैं, MiG-21 को क्यों मॉडर्नाइज नहीं किया जा रहा है, क्यों उसे और ज्यादा आधुनिक नहीं बनाया जा रहा है, वजह क्यों, क्यों हमें इतना, मतलब अगर हम कहें तो हम इतने बंधे हुए क्यों हैं? मैं आपके क्वेश्चन की सराहना करता हूं, आपने जो ऐसा क्वेश्चन पूछा है वो बड़ा मार्क क्वेश्चन पूछा है। MiG-21 सबसे अपने एंड के मैं स्टार्ट करता हूं। जी। चाइना ने बनाया, रशिया ने बनाया, चाइना ने लिया, हमने भी लिया, उसी साल, बल्कि हमने जल्दी लिया। चाइना ने उसका अपना बना के F-7M बना दिया, आप उसको वही इस्तेमाल करते रह गए। जब आपने उसको अपग्रेड करने की भी बात की तो रशिया ने आपका हाथ मरोड़ दिया, अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हारा सारी सप्लाई रोक दूंगा। आपकी फॉरेन पॉलिसी कमजोर थी, क्योंकि आपकी फौजी शक्ति कमजोर थी, तो फॉरेन पॉलिसी जब कमजोर होती है यही होता है, और हमको उसने बनाने नहीं दिया। जब चाइना को रोका, चाइना ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया, उन्होंने अपना बनाया कि जो मर्जी कर लो, और चाइना ने अपना F-7P बनाया, पाकिस्तान के लिए F-7P बनाया, F-7M को P पाकिस्तान को दिया, श्रीलंका को दिया, बांग्लादेश को दिया, म्यांमार को दिया, सबको दिया उसने, और दुनिया में दिया, और कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही किसी को, प्रॉब्लम हिंदुस्तान में आ रही है। तो ये प्रॉब्लम आपको आ रही है। जब लोग कहते हैं MiG-21 फ्लाइंग कॉफिन है, मेरे को गुस्सा आता है, फ्लाइंग कॉफिन नहीं है, बहुत अच्छा जहाज, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करोगे तो बाजी बड़ी जरूरी है। तो आप अपनी कार को देख लीजिए, अगर उसको आप सर्विसिंग नहीं करोगे, ठीक नहीं करोगे, तो क्या रहेगा, उसके पार्ट्स गिरने लग जाएंगे, फिर आप कहोगे मेरी कार तो खड़ी हो जाती है, उसकी कार तो चलती रहती है। यही प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये अपने अंदर की प्रॉब्लम है। जब MiG-21 बिस को हम बनाने की बात कर रहे थे तो रशिया ने हमें रोक दिया था, 78-79 की बात है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम है। और हमारे पास में एक बहुत उम्दा जहाज होता था HF-24, जो उसकी जो एयर फ्रेम केपेबिलिटी थी Mach 2.6 थी, उसके लिए हमको जब इंजन लेने की बात होती थी तो वो नहीं हम ले पाए, क्योंकि फॉरेन प्रेशर जितने से इजिप्ट रेडी हो गया, इंग्लैंड रेडी हो गया, E-300 इंजन था, उसको नहीं बनने दिया फॉरेन प्रेशर ने, और रशिया ने हमारा फिर हाथ मरोड़ा, ये 3 स्क्वाड्रन HF-24 के क्या कर रहे हैं, आप हमारा MiG-23 लगाइए। कहने के लिए रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। देखिए ऐसा है, रशिया दोस्त जो होता है तब तक होता है जब तक उसका काम निकल रहा हो, जब उसका काम, ये फॉरेन अफेयर्स में बात होती है, यहाँ कोई पाप पुण्य दोस्त वोस्त कुछ नहीं होता, यहाँ पे अपना फायदा कहाँ है। इसीलिए वही चाइना जो है, वही रशिया जिसने अपनी आपके साथ खड़ा रहा 71 में, वही जो है अब आपको कहता कह रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे खिलाफ हो गया है, पर नाराज जरूर हुआ है, क्योंकि हम अमेरिका से सामान ले रहे हैं और उससे उसका जो हिस्से में आना था वो अमेरिका को चला गया, और फाइटर एयरक्राफ्ट जो हम लेना चाहते हैं रशिया से, अब उसमें देरी अब बहुत आ रही है, क्योंकि रशिया का भी प्रॉब्लम पैसे की आ गई है, क्योंकि रशिया टूट चुका है, सोवियत यूनियन टूट चुका है, अब रशिया अलग हो गया है। तो क्या है, रशिया अब हमको उतना सप्लाई नहीं देना चाहता, तो फाइनेंस की जरूरत है। तो इस सारे उधेड़ बुन में जब हम बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो हमसे नाराज होने हो जाता है। इसीलिए उसने कहा था हम पाकिस्तान के पास जाएंगे, और अभी जाना पाकिस्तान के पास चला भी गया, उनके साथ एक्सरसाइज भी करेगा। यही अमेरिका जो 71 में बेड़ा लेके आपके बे ऑफ बंगाल में आ गया था, 171 जहाजों को लेके आप पे हमला कर रहे हैं, वही अमेरिका अब आपका दोस्त हो रहा है। आपको चाइना सी में आपको कह रहा है आप लीडरशिप ले लीजिए एशिया पैसिफिक यूनियन की, एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी की, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। और डेमोक्रेसी है, कब डेमोक्रेसी की लीडरशिप चेंज हो जाए, अब उनकी अब 2 दिनों में है उनकी, अब फिर थिंकिंग चेंज हो रही है, अब उनका शिप जो है हमारे EEZ एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन में घुसाया है, और बिना हमारी परमिशन के, और हमने जब आपत्ति उठाई है तो हमारे को जिसको क्या कहते हैं आंखें दिखाने की बात कर रहा है। अब वही बात, ये सब तब तब होता है कि जब आप कमजोर होते हो, आप बाहर वाले पे डिपेंड नहीं कर सकते, जिसको कहते हैं एक कहावत है इंडिजिनाइज और पेरिश, या स्वावलंबी बनो या खत्म हो जाओ। हमको स्वावलंबी बनना जल्द से जल्द पड़ेगा, इसीलिए हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है। हमको 125 हमारे को चाहिए 45 स्क्वाड्रन, ये 42 बोलते हैं, मैं नहीं मानता, हमें 45 स्क्वाड्रन चाहिए, और हमारी स्थिति आ गई है, हमारे 30 फाइटर स्क्वाड्रन हो गए हैं, मतलब हमारे को 15
फाइटर स्क्वाड्रन की कमी है, 15 स्क्वाड्रन, 15x20 आप देख लीजिए, 15x18, 15x20 इतने जहाजों की कमी है। तो रफाइल के थ्रू अगर आप कर रहे हो, MiG-21 आपका पुराना हो रहा है, आपके हिसाब से आप उसको नया नहीं कर सकते, उसको बाहर निकालना पड़ रहा है, तो अब आप रफाइल कितने आए हैं, मुश्किल से 11 आपके पास रफाइल पहुंचे हैं। आपको चाहिए कम से कम 3 स्क्वाड्रन रफाइल के और चाहिए, ताकि कुछ दोनों सेक्टर्स में अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट पाकिस्तान, हालांकि जितने आए हैं अच्छा है, जहाज सबसे उम्दा है और फर्क जरूर पड़ेगा, पर वो फर्क नहीं पड़ेगा जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते वो तब होगा जब आपकी ये पूरी की पूरी जो खाना खाने भरेंगे, खाना पूर्ति पूरी होगी, आपका फाइटर स्क्वाड्रन्स पूरे आएंगे, तब आप 2 फ्रंट वॉर की बात कर सकते हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम स्वावलंबी नहीं हैं, हम ना इंजन बनाते हैं, ना एयर फ्रेम बनाते हैं, ना गन्स, ना टैंक्स, ना तोप, ना उनके गोले, हम कुछ नहीं बनाते जिससे बेल लड़ाई करेंगे, छोटी मोटी चीज़ों से नहीं लाभ लड़ाई करते, क्योंकि आपकी पॉलिसी ऐसी थी, और आपकी पॉलिसी ऐसी थी जो कहती थी देखिए हम शांति प्रिय देश है, हम पहले हमला नहीं करते। अरे पहले हमला करने का मतलब क्या होता है, जब आप पे हमला होने वाला है तो आप 1 हफ्ते पहले, 1 महीना पहले हमला कर देंगे उसके ऊपर। आप इसी कमजोरी के कारण गलवान में वो देखिए चाइना घुस आया है, वही आपने आपकी नीतियां, फिर देखिए आपने अपनी नीतियां कितनी कैसी कमजोर रखी हुई है, आपको पता ही नहीं कि एक फ्रंट के ऊपर 2 मिनिस्ट्रियों को फोर्सेस रखना, एक मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री, एक फोर्स होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट कर रही है जो आगे खड़ी है, जो चाइना के साथ मेन कॉन्टैक्ट कर रही है, और फिर जब उनको उनसे चाइना अंदर घुस गया तो मैटर ऊपर जाता है, डिफेंस मिनिस्ट्री से बात आती है, और हमारे लोगों को इतना अभी बात नहीं है कि जाके बेबाक होकर पूछ रही है क्या हो रहा है, वो कहते नहीं है ऊपर नीचे, हम सीनियर हैं जूनियर हैं, ये सारा का सारा लफड़ा जो है, जिसको मैं इस लफड़ा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि ये है ही लफड़ा, और इसके कारण हम कमजोर पड़ते हैं। अगर सैम मानेकशॉ जैसे कमांडर होता अभी तो वो जाके कहते ही क्या हो रहा है, ये क्यों ITBP को बैठाया हुआ, सभा बोलता, या ITBP को बैठाना है हमारे अंडर करो, क्योंकि ITBP बहुत बढ़िया फोर्स है, वो एकदम इसको कहते हैं फाइनेस्ट माउंटेन इन्फेंट्री का मैं ओहदा देता हूं उसको, पर अपने फौज के अंडर तो रखो, ये क्या बात है, ये कहां पे इसलिए है। अब आपने पूछो कि अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा क्या बात है, बात यह है आपने को आपको IPS के लोगों को ओहदे देने हैं, तभी वो आपने सारी पैरामिलिट्री उनके लिए रिजर्व कर रखी है, और उनको डायरेक्टर जनरल भी बनाना है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाना है। सर एक और चीज यहाँ मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी इसी पर कि हम ये बोल रहे हैं, हम यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि अब तो भारत में ही कई आधुनिक हथियारों के हथियार बन रहे हैं, कई ऐसे फाइटर जेट हैं जिसके इंजन तैयार हो रहे हैं, मिसाइलें तैयार हो रही है, ब्रह्मोस और Agni-5 का वो जिक्र करते हैं, तो ये मतलब ये सिर्फ जिक्र किया जा रहा है या वाकई हो रहा है? एक मैं बात बता दूं, अगर आपने बात करने पे बात आई है तो 70 साल के में 65 साल के बाद जब आपके जो अब जितने भी 47 से अब तक कितने साल हो गए, जितने भी साल हो गए 74 से ज्यादा, हाँ लास्ट 5 साल में आपने बदलाव देखना शुरू किया है, अब आपके पास में स्वावलंबिता की बात आ रही है, तो जब आप बात कर रही हैं कि अब हम करने वाले हैं, हाँ पर अभी भी हमें 7 साल लगेंगे, 5 से 7 साल लगेंगे, हम सही रास्ते में चल रहे हैं अब, पर उसके लिए भी एकदम से इलेक्ट्रिक स्विच छोड़िए, दबाया तो लाइट चली गई, दबाया तो लाइट आ गई, ऐसे नहीं होगा, समय लगता है, वो समय इतना लगेगा कि आपको 5 साल का अभी तसल्ली करनी पड़ेगी, पर ये याद रहे अब पॉलिसीज में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, पर ये हमारी कंट्री डेमोक्रेसी है, हम चाइना नहीं है या इसराइल नहीं है, इसराइल में डेमोक्रेसी है पर उनका तरीका दूसरा है, ये लोग इतना विलंब नहीं करते, हमारे क्या बात है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको आपत्ति आएगी अगर बहुत सारे बदलाव शुरू हुए, क्योंकि उनकी पोजीशंस के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। CDS का देख लीजिए, आपने CDS को ढंग का ओहदा नहीं दिया है, नहीं दिया है, उसको 4 स्टार रखा है क्योंकि वो IAS ऑफिसर से ऊपर ना हो, सेक्रेटरी से ऊपर ना हो जाए, ये प्रॉब्लम है सबको, ये सही। और IPS को क्यों आपने पैरामिलिट्री में डालना है, फिर कहाँ डालोगे, फिर उनको 18 साल में डायरेक्टर जनरल कैसे बनाओगे, उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसीलिए आपको आपकी जो कमजोरियां हैं वो प्रधानमंत्री जो करेंगे वो ऑर्डर तो दे देंगे, पर आप ब्यूरोक्रेसी को किस तरीके से आप रियलाइन करेंगे, ब्यूरोक्रेसी को निकालना नहीं है,
पर उनके काम के तरीकों को बदलना, उनका यूज हम कहां कहां कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं? ये करना है वो देश के हित के लिए। ये सब बड़े अच्छे हैं, सब किताबें लिखते हैं, एमए पीएचडी हैं, सब हैं, कविताएं भी लिखते हैं, सब कुछ। पर अरे भाई अपने महकमे की बात करिए, महकमे में तो तुम अगर आईटीबीपी को कंट्रोल कर रहे हो तो तुम्हें बेसिक टैक्टिक्स आनी चाहिए, तुम्हें एक कम से कम एक कंपनी तो लीड करके दिखाओ। ये प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल बख्शी जी, एक और चीज़ यहाँ मैं जोड़ना चाहूँगी, कई ऐसे जो सेना के जवान रहे हैं यानी कि रिटायर हो चुके हैं वो, उनकी तरफ से कई बार ये कहा जाता है कि हमारे जो बॉर्डर पर सेना है उनमें कमी है। कई ऐसे जवान हैं जिन्हें ओवर टाइम करना पड़ रहा है क्योंकि जवानों की कमी हो गई है, 5 जवान का काम एक जवान कर रहा है। कुछ एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 के स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार आवाज उठा रही है, दिल्ली में लगातार प्रोटेस्ट कर रही है कि उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। लेकिन अगर इमरजेंसी आती है, आपकी फोर्स की बात कर रही है, मैं बात कर रही हूँ सर बीएसएफ की, आप पैरामिलिट्री की बात कर रही है, मैं कह रहा हूँ आप होम मिनिस्ट्री की बात कर रही है, ये फौज मत बोलिए। सी फौज फौज बोल के उनको एक तो आर्मी यूनिफॉर्म पहनाई हुई है, फौज वो लोग आर्मी समझने लगते हैं। ये है पैरामिलिट्री अंडर होम मिनिस्ट्री अंडर आईएएस एंड आईपीएस, इनका मामला अलग है। ये इसीलिए किया गया है, इनकी ट्रेनिंग कौन करेगा तो आपको पता ही नहीं। और आपको मिनिस्टरों को खुश करने के लिए एक ही बटालियन को 6 जगह लगा दिया, एक प्लेटून उधर लगा दिया, एक इलेक्शन ड्यूटी में, एक किसी के बंगले के आगे खड़े हैं। सिस्टम में कमी है तो बिल्कुल कमी है। अगर आप इनको फौज के अंडर रखेंगे तो ये कुछ नहीं होगा, ये सब इनको गैर इस्तेमाल करने वाले चुप हो जाएंगे, इनको सबको आड़े लगा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, आप अपनी देश की सुरक्षा की बात कर लीजिए या इन लोगों को खुश करने की बात कर लीजिए डेमोक्रेसी के नाम पर। ये डेमोक्रेसी के नाम पे ये सब कुछ सारे पहिए चलाना चाहते हैं, ये नहीं चलता। ये भारत की जो रक्षा की बात है ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी से, हर एक रिलीजन से ऊपर है। तो इसीलिए सबको ये याद रखना पड़ेगा, जब देश की रक्षा की बात आती है आपको टोटल चेंज लाना पड़ेगा। तो बख्शी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और बहुत ही बेबाक तरीके से हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छे से इन्होंने एयरफोर्स को जाना है, एयरफोर्स में रहे हैं और बहुत सारी चीजें देखी हैं और बहुत अच्छे से हमें समझा भी पा रहे हैं, जो आज की जनरेशन को समझना बेहद जरूरी है क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। हथियारों की बात हम कर रहे थे, जेट्स की हम बात कर रहे थे, राफेल की हम बात कर रहे थे। सर राफेल आए हैं हमारे पास, हालांकि जितने हम उम्मीद कर रहे थे वो टुकड़ों में आ रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल ठीक है, टुकड़ों में आ रहे हैं क्योंकि हम बनाते नहीं हैं तो ये आएंगे। पर हमें ये देखना है कि उनके साथ में मेक इन इंडिया तहत हमको टेक्नोलॉजी भी लेनी होगी। सिर्फ राफेल के आने से पर ये देखिए, आपने 3 स्क्वाड्रन तो ले लिए, अगर आपके 2 टू फ्रंट पे लड़ाई चल रही है, 6 महीने निकल गए, आपके स्पेयर पार्ट्स की कमी आने लग जाएगी, आपके ये शुरू हो जाएंगे, फिर आपको दौड़ भाग शुरू करेंगे। अपने पुराने लेसन सीखिए, पुराने कैंपेन में कारगिल की लड़ाई में 155 मिलीमीटर का शेल आपको सोने के भाव पड़ रहा था, आप मांग रहे थे, हर को आपकी कोई गन नहीं थी, सब मांग रहे हैं। अब सुबह से शाम तक एक गन फायर कर रही है, कितने 100 राउंड्स फायर करेगी वो, और बैरल्स गर्म हो जाते हैं, अब स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होती है, अगर नहीं बना रहे आप तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो गन तो माना एक लिमिटेड आइटम है, पर अगर फाइटर एयरक्राफ्ट की बात है उसके इंजन नहीं नहीं बना रहे, जब इंजन ही नहीं आप बना रहे, आप बना क्या रहे हैं? तभी मैं कह रहा हूं, जब तक हम इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं भारत में शुरू करेंगे, मेक इन इंडिया तहत स्वावलंबी नहीं बनेंगे। आप भूल जाइए कि आपके पास इतने राफेल आ रहे हैं और इतने सुखोई आ रहे हैं बाहर से, और बाहर देने वाला जो रशिया है वो वैसे आपसे नाराज है, और अगर थोड़ी सी और नाराजगी उसकी हो गई तो आप देखना उसका क्या अंजाम होगा। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूँ, कोई मेरे को चैलेंज करके दिखा दे, ये बिल्कुल मैं बता रहा हूं, अगर आपने रशिया को और थोड़ा नाराज किया उसने आपका अड़ंगी लगानी है, और बिल्कुल लगाएगा, कहेगा तुम्हारे सबमरीन बंद करता हूं, ये बंद करता हूं, वो बंद करता हूं, पाकिस्तान के साथ में जाके वो कर रहा है, क्योंकि रशिया को अपना स्ट्रेटजी देखनी है, उसको अफगानिस्तान में एंटर करना है, वो चाहता है कि मेरा एरिया वापस मुझको, जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है जिसकी मैं लड़ाई कर रहा हूं, ग्रेट गेम जो 200 साल से रशिया ट्राई कर रहा था, वो बड़ी मुश्किल से घुसा था, और पाकिस्तान जिसने उसको निकाला वहां से, तालिबान बना के अमेरिका के साथ, रशिया उसके साथ मिलने की बात कर रहा है। देखिए ये है आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैज स्ट्रेंज बेड फेलोज, ये चीज होती है। तो आपको अब देखिए वही रशिया जिसको तालिबान ने उनको बाहर फेंका,
उनको उसी बनाने वाले को अमेरिका के साथ मिल रहा है। वही पाकिस्तान F-16 को लेकर हमें आंखें दिखा देता है। F-16 को देखा तो किसने देती? F-16 दिया अमेरिका ने, दिए उसको दिए थे किसके लिए? आतंकवाद से लड़ने के लिए। अब रशिया कह रहा है कि मैं तुम्हें आतंकवाद से लड़ने के लिए वेपन दूंगा, यानी कि मैं तुमको सुखोई दूंगा, मैं तुमको दूंगा। देखिए ये बात हो रही है और हो चुकी है, हमारी मिनिस्ट्री को और हमारी गवर्नमेंट को पता चल गया है। अगर हमने रशिया के साथ में हमने रिलेशन अब ठीक ना किए, आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। और इसके लिए ये डिप्लोमेसी एक हलवा नहीं है कि बड़े आराम से प्लेट में डाला और खा लिया। आपको इसको बड़ा, इसको सोच समझ के हमें कदम उठाने होंगे, किस तरीके से आप कैसे करें। अब आपको आपको फाइटर एयरक्राफ्ट भी चाहिए, अब फाइटर एयरक्राफ्ट आप खरीद तो रहे हैं फ्रांस से, फ्रांस से तो आपको मिराज बनाने के लिए कहा था कि आप जॉइंट प्रोडक्शन करिए, उस सब हम रेडी नहीं हुए। और हम रेडी इसलिए नहीं होते, और क्यों प्रॉब्लम है आप ये पूछ लीजिए मेरे से। हमारी प्रॉब्लम इसलिए है, हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री इसके अंदर नहीं है। ऐसे नहीं बना, HAL में नहीं बन जाएगा। आपकी प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए। दुनिया की कोई डिफेंस इंडस्ट्री ले लीजिए, अमेरिका, नॉर्थरॉप, मैकडॉनल्ड डगलस, लॉकहीड मार्टिन, जर्मनी के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी की जो वो क्रप्स, वो सारी प्राइवेट इंडस्ट्री थी। ये प्राइवेट इंडस्ट्री ही प्रोड्यूस कर सकती है, हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री ठेले की नहीं है। और 1995 में एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन हुई थी, अब्दुल कलाम साहब के लीडरशिप इतनी थी, और उन्होंने एक सुब्रतो पार्क में एक बड़ी एग्जीबिशन की थी। 75 से 80 प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आए थे कि हम ये पार्ट बना सकते हैं, और पार्ट्स को डिस्प्ले किया था कि आप हमको करें। 1995 और अब निकल गया, कितने साल निकल गए हैं, क्लोज टू 27 साल होने आपको आ गए हैं, अभी तक आपने प्राइवेट इंडस्ट्री को ढंग से नहीं लेके आए। अब वैसे हम हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन हम डिफेंस को लेकर इतने अब आप पूछिए कि डिफेंस को प्राइवेटाइजेशन हमने क्यों नहीं किया सर, पूछ रही हूँ मैं। ठीक है, यही तो बात है, आप ये पूछिए, विवाह होके पूछिए, हमने इसलिए नहीं की। सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है डिफेंस में, सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। सर आप कंप्लीट करें, उससे पहले सर एक छोटी सी बात कहूंगी मैं। कहते हैं, किसी ने कहा है और क्या खूब कहा है, कि सबसे ज्यादा देश तब मजबूत होता है जिसकी सेना सबसे ज्यादा मजबूत। मैं वही कह रहा हूं, जब तक आपकी सेना मजबूत नहीं है, आपकी फॉरेन पॉलिसी मजबूत नहीं है, तो सेना तब मजबूत होती है जब आप घर में सामान बना रहे होते हैं, आप अपने बेटे की शादी कर रहे हैं और दुकान से आपका आ रहा है, बारात बाहर बैठी है, नहीं चलता, आपका किचन चलना चाहिए, आपके खानसामे काम करने चाहिए, तब बनती है बात। मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, ऊपर ले जाओ वही बात बनेगी। तो क्या है, आप डिफेंस का जब तक सामान नहीं बना रहे, आप भूल जाइए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारे को आती है, तो क्या होता है, 6 बेचने वाले हमारे दरवाजे पे आ गए, एक बेचने वाला कहता आ जाइए, आपकी पार्टी फंड में इतना डाल दूंगा मैं, है आपको फ्रांस में जमीन चाहिए, आपको प्लॉट चाहिए। तभी तो सारे सबसे ज्यादा स्कैंडल डिफेंस में क्यों है, 1948 से अब तक सारे स्कैंडल्स ही स्कैंडल्स हैं, क्यों है, ये है, बोफोर ले लो, हेलीकॉप्टर डील जो अभी हुई थी वो उसको ले लो, कोई भी जो हो, SGW सबमरीन देख लो, सेंचुरियन डील, जैपोस डील, तब से ताजा मतलब तो राफेल ही है। राफेल में अभी कोई किसी ने उंगली नहीं उठाई, वो उंगली वो कह रहे कि देर क्यों हो गई, उसकी बात है। ये गवर्नमेंट जो है, जो ऑनेस्टी से काम करने वाले लोग हैं, उनको हम मानते हैं। देखो कोई डिसऑनेस्ट बीच में होगा, अपने आप उसको वीड आउट कर दिया जाएगा, ये मेरे को मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्वेश्चन ये है, इस कारण आपकी डिफेंस कमजोर थी कि आपने प्राइवेट को उठने नहीं दिया, ताकि बेचने वाला आता रहे, मेरे खीसे में पैसे आते रहे, मैं बड़ा खुश हूं, और मैंने फाइल आगे करनी है, फाइल आगे कही है, छापा लगाया और जहाज आ गए, स्टार्ट हो गया। ये जो चीज है, ये बंद हो जानी चाहिए, और तब बंद होगी कि हमें भैया अपना चलाना है। तभी तो आपका LCA में देरी क्यों हुई, उस समय गवर्नमेंट चाहती थी कि बाहर का टेक्नोलॉजी, सारे टेक्नोलॉजी बाहर से चाहते हैं, जब HF-24 को डाउन करने का सबसे, और बड़ी जब रशिया ने हमारे हाथ में रोड़े, हम बड़ी खुशी से डाउन कर दिया, क्यों डाउन कर दिया, चलो हमें नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से आएगा तो हमारे ताल्लुकात बाहर से बढ़ेंगे, कुछ पैसा आएगा, कोई डाली आएगी, कोई टोकरी आएगी, ये प्रॉब्लम। सर एक आखिरी सवाल आखिर में, ये कि अब
इतने साल तो हमने बिता दिए, बहुत परेशानी रही, सेना की तरफ से भी कई शिकायतें की गई कि हमारे पास हथियार उतने आधुनिक नहीं है, हमारे पास जेट उतने आधुनिक नहीं है। धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती रही, हमारे सामने आती रही, हमारी सेना को मिलती रही, लेकिन सेना का अब भी यही सवाल है कि कितने साल और लग जाएंगे। क्या अब हमें भरोसा कर लेना चाहिए कि अब हम आगे जाके आधुनिक हो रहे हैं हर चीज़ में? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि हमारा स्वावलंबिता कहाँ कहाँ हम ला रहे हैं। अभी जैसे कि वज्रा K9 आप कोरिया से लिए, आपने बनाना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। इंजन मैं सबसे पहले अगर प्रायोरिटी देता हूँ तो एयरक्राफ्ट के जेट इंजन की बात कर देता हूँ, वो कौन कहाँ कौन सा बन रहा है। कावेरी जो बन रहा है वो भी रुका हुआ है। जब तक आप अपनी इसमें टेक्नोलॉजी पूरी नहीं करेंगे, आपके डिजाइनर मिल जाएंगे। आपका HF-24 का डिजाइन जर्मन लेके आए थे आप, जो कर्ट टैंक ने डिजाइन किया था, मैं 2.6 की मैं बात कर रहा हूं, मैंने तो वो जहाज फ्लाई किया हुआ तो मुझे पता है, तो इतना बढ़िया जहाज था। पर सब लोगों गवर्नमेंट को खुश करने के लिए उस समय की गवर्नमेंट, नहीं, डाउन कर दो, डाउन कर दो। हमारे कमांडर मान गए, उनमें तब दम नहीं था कि खड़े हो जाए, अड़ जाए कि नहीं करेंगे हम। अपने प्रमोशन के लिए तो लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट, इसके लिए क्यों नहीं गए? ये जिस चीज को जनरेशन आगे तक यूज करेगी, एग्जैक्टली मैं कह रहा हूं कि फौजी को सुप्रीम कोर्ट में जाने में कोई देर नहीं लगती अगर अपने प्रमोशन की बात हो तो। पर ये प्रॉब्लम अपने घर में भी प्रॉब्लम है, हमें अपनी भी गलतियां स्वीकार करनी पड़ेंगी। और आखिर में बस यही कहना चाहूंगी कि बाहर तो हम लगातार कोशिश कर ही रहे हैं बाहरी ताकत को, बाहरी दुश्मन को रोकने की, लेकिन हमारे जो बीच के अंदर कुछ दुश्मन हैं जो हर चीज़ पर रोक लगा रहे हैं, उनको भी रोकना बेहद ज़रूरी है। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और प्रफुल्ल बख्शी जी से हमारी बात हुई है, पूर्व विंग कमांडर, कुछ कहना चाहते हैं प्रफुल्ल जी, पहले उनसे सुनेंगे। आपने जो लास्ट जी क्लोजिंग बोला है, मैं उस पर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। जब हम बच्चे थे तो एक फिल्म आई थी 1956 में, उसमें गाना था बिगुल बज रहा आजादी का गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से, कहनी है दे एक बात लेकिन आज देश के प्यारों से, जनता से नेताओं से फौजों की खड़ी कतारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से, ये गद्दारों से छिपे रहो तब आपको बात बनेगी, वही आपको डाउन कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों ने प्रफुल्ल बख्शी जी को सुना है, पूर्व विंग कमांडर रहे हैं, बहुत अच्छे से एयरफोर्स को जाना है, बहुत बेबाकी से बहुत सालों से लगातार जवाब वो देते आए हैं और हर चीज़ का मुंह तोड़ जवाब उन्होंने दिया है। फिलहाल तो इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।